तो WWE वाले की स्मैकडाउन के शो के अंदर इतनी सारी चीजें दिखा देंगे, वैसे मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि एजे स्टाइल्स भी ब्लड लाइन के साथ फ्यूड में आ चुके हैं। जिमी ने टीज भी कर डाला कि भैया वो भी ब्लड लाइन के साथ जाना चाहते हैं एक बार फिर से, एंड ऊपर से शो के ऊपर जॉन सीन और जिमी के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुई है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, जो मैंने जितनी सारी चीजें बताई ना, ये सभी एक ही स्मैकडाउन के शो के अंदर हुई है। तो जो रिसेंटली स्मैकडाउन का शो था, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल ऑफ कोर्स, जो हमारे अपने स्मैकडाउन की शुरुआत है वो और किसी के साथ में नहीं बल्कि जॉन सीना के साथ में होती है, सीना आते हैं के बीचों बीच में। और सीना यहाँ पर इंडिया के मैच के बारे में बात करते हैं किस तरीके से उनका पहला मैच होगा, प्लस ये बात भी अनाउंस कर देते हैं जो पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वहां पर वो होस्ट बनेंगे। और ओवरऑल जॉन सीना एकदम फुल पैक्ड जैम पैक्ड एक्शन में WWE के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे। अल्टीमेटली जिमी उसो की वहां से एंट्री होती है और जिमी उसो का यहाँ पर होता है न्यू थीम सॉन्ग। अब जिमी उसो जब आते हैं वो इवॉन्ट जे के बहुत अच्छे खासे नारे लगते हुए नजर आए, समर स्लैम वगैरह का पूरा रिकैप दिखाया जाता है। और यहां पर कहते हैं जिमी उसो एक तरह का कि जो हमारे जॉन सीना है वो रोमन रेंज की तरह है बेसिकली, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा ऊपर मानते हैं, ऐसा वैसा हो गया। लेकिन भैया जॉन सीना को रोस्ट करने में लिटरली एक सेकंड नहीं लगता, वो ये कहते हैं कि लग रहा है गलती से गलत जे उसो ने या फिर गलत उसो ने बेसिकली WWE को क्विट कर डाला है। ये चीजें लीड करते हैं सुपर किक की तरफ जो कि सीना डॉज करके एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट करते हुए नजर आए। तो जी चीज मैं कह रहा था लगातार भैया सीना ब्लड लाइन का फ्यूड, वो चीजें आज हमें स्मैकडाउन के शो में भी दिखाई थी। रेमेसिडियो एंड सेंटोस एस्कोबार का भी आमना सामना था ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी के साथ में, ये टैग टीम एक्शन था। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की विक्ट्री हो जाती है और यहाँ पर हल्का सा कहते हैं उनकी डोमिनेशन दिखाई थी हील टीम की तरफ से। साथ ही हम लोग देखते हैं बॉबी लैशली भी आते हैं इनके बीचों बीच में, उनके साथ में एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस फोर्ड होते हैं। ये लोग बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स की करिश्मा के बारे में, अग्रेसिवनेस के बारे में। लेकिन इस पूरे सेगमेंट के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है और वो ये कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का टैग टीम एक्शन होने वाला था। इनके और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में अच्छी खासी कॉन्फ्रंटेशन होती है, तो देखते हैं क्या कॉन्फ्रंटेशन ये आने वाले टाइम में एक मैच की तरफ लीड करती है या फिर नहीं। वैसे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन LWO के साथ आमना सामना करते हैं और इस मैच के अंदर इजिली उनकी इस मैच में विक्ट्री वगैरह भी हो जाती है। हम लोग एली नाइट और द मिस के बीच में भी शो पर एक सेगमेंट देखें जहां पर अच्छी खासी चीजें इनके बीच में हीटेड होती हैं। इवन जो मिस है यहां पर स्कल क्रशिंग फैलाने लगाने का ट्राई भी करते हैं आखिरी में, और एली नाइट के साथ में लग रहा पूरी तरीके से जो फ्यूड है WWE ने हाइप तो कर डाला है। बेली और शॉर्ट्स का भी शो के ऊपर आमना सामना होता है और मैच के अंदर शॉर्ट्स की विक्ट्री हो जाती है। और इवन यहां पर शार्लट फेयर का भी शो पर कम बैक हो चुका है, फिर जो शार्लट फेयर है वो भी चीज में अपनी टांग वांग अड़ाती हुई नजर आई। अब शो का मेन इवेंट आता है जहां सोलो सिकोवा का आमना सामना है जिस टास्क के साथ में होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर एक्चुअल में जो एक तरह का जिमी एंड एजे स्टाइल्स इनके बीच में एक तरह की भसड़ मस्ती है, और यहाँ पर जो सोलो सिको है वो आके अटैक करते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर जो कि सिंगल्स मैच की तरफ लीड करता है। अच्छा मैच बहुत अच्छा खासा था, मुझे लगा एजे स्टाइल्स जीत जाएंगे। मैच के एंडिंग में जैसे वो फिनोमिनल फोरआर्म लगाने चलते हैं ना, अचानक से पॉल हेमन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट हल्का सा करता है और एजे स्टाइल्स को बीवन करते हैं। लेकिन होता क्या है, वहां से अचानक से जिमी उसो आते हैं एंड जिमी उसो आके रस्सियों से खींच लेते हैं एजे स्टाइल्स को, इसी का फायदा उठाते हैं सोलो, लगाते हैं सामोअन स्पाइक, करते हैं 1, 2 एंड 3 एंड विक्ट्री सोलो सिकोवा की हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद होता है कि जो जिमी उसो दौड़ के आते हैं भैया रिंग के बीचों बीच में सोलो सिकोवा को गले लगाने के लिए। अब उल्टा यहां पर सोलो उन्हें ही सामोअन स्पाइक जस्ट लगाने ही वाले थे, बट अचानक से यहां पे हुआ क्या कि पॉल हेमन उन्होंने रोक लेते, कहते हैं अरे भैया मारना नहीं, से ऐसा हो गया वैसा हो गया, सोलो सिकोवा वहीं रुक जाते हैं। और आखिर में जो वी द वंस वाला साइन है ना वो सोलो सिकोवा के सामने को फिर से जिमी करते हुए नजर आ, बेसिकली लग गया ऐसा रहा वो फिर से ब्लड लाइन के साथ आना चाहते हैं। बाकी भाई जॉन सीना और एजे स्टाइल्स दोनों एक साथ ब्लड लाइन के साथ फ्यूड में है जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। यही कुछ था आज का स्मैकडाउन, कैसा लगा स्मैकडाउन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को अगर तो नीचे लाइक एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।